एवरीवन, दिस इज अकीना अली और कैसे बचा बाटी आप सभी लोग। तो बचा बाटी आज बात करने वाले स्ट्रेटेजी टू स्कोर 98% इन क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहला पॉइंट है बचा बाटी, रिफर टू द प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी बुक। जिस तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा, इस साल वाले स्टूडेंट्स के लिए, हमारे 2024 वाले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए आप लोग का इंटायर सिलेबस चेंज हो चुका है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग का जो नया सिलेबस है उससे गो थ्रू हो जाना है और उसी तरीके से आप लोग को एनसीईआरटी को प्रेफर करना है। अगर आप लोग कोई एक नई टेक्स्ट बुक खरीद रहे तो उस पर चेकआउट कर ले कि स्पेशली 2023-24 वाले स्टूडेंट्स के लिए ही मेंशन है ना, पुरानी तो बुक नहीं है। साथ ही साथ अगर आप लोग कोई ऐसे बच्चे कि जो आप लोग सेकंड हैंड बुक किसी से परचेस कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि जो भी आप लोग के नए टॉपिक्स है उससे आप लोग गो थ्रू हो जाए, मतलब जो नया सिलेबस है उससे गो थ्रू हो जाए। जो टॉपिक्स इस बार नहीं आने वाले उस पर कट लगा दें, जो आने वाले नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसको आगे लिख लें, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपनी सभी चीजें मैनेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, प्रैक्टिस द एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स क्वेश्चन गिवन इन द एनसीईआरटी। आप लोग को क्या करना है, जितने भी हमारे एग्जांपल्स के क्वेश्चन होते हैं या एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के, सभी को सॉल्व करते हुए चलना है। एटलीस्ट बच्चा बाटी तुम्हारी जो पूरी एनसीईआरटी है वो एटलीस्ट दो बार पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व होनी चाहिए इस सेशन के लिए। पॉइंट नंबर थर्ड, सॉल्व द सीबीएसई क्लास 10th सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। तो बच्चा बाटी जिस तरीके से सीबीएसई क्वेश्चन सैंपल पेपर्स आप लोग के लिए रिलीज करता है, तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। उससे दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट कि ये समझ में आ जाएगा कि सीबीएसई आप लोग का किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल रखेगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज कि सीबीएसई का क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है इस साल, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। कैसे दीदी, मतलब कितने 1 मार्क के क्वेश्चन आने वाले, कितने एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले, कितने 2 मार्क के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले, कितने 3 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले, कितने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आने वाले और कितने हमारे लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाले। इससे पूरे एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी चीज आप लोग डीप डाउन समझ जाएंगे। पॉइंट नंबर फोर, यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th साइंस। तो बच्चा बाटी आप लोग को क्या करना है, प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन पेपर्स उठाने, कम से कम भी लास्ट 5 to 7 years तक के क्वेश्चन पेपर्स उठाने, उसमें से ये रिव्यू करना है कि कौन सा ऐसे टॉपिक्स हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछ रहा है। आप लोग एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठिए, एनालाइज करिए, लास्ट 5 to 7 years के क्वेश्चन पेपर्स आप लोग को ईजिली कहीं से भी मिल सकते हैं। तो आप लोग एक बार रिव्यू करिए और उसमें से बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे या कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो सीबीएसई हर बार पूछता ही पूछता है। मतलब डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाई चांस है कि इस बार भी सीबीएसई उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेगा या फिर सेम डेफिनेटली भी वो क्वेश्चन उठ के आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। पॉइंट नंबर 5, मेक शॉर्ट नोट्स। जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, जो जो चैप्टर्स आप लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, उसके साथ आप लोग के खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करिए। ये डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे जब आप लोग के यूनिट टेस्ट होंगे, हाफ ईयरलीज होंगे या फिर आप लोग की मैं बोलूँ बोर्ड एग्जाम्स होंगे, क्योंकि यार जो चीजें हम अपने हाथ से लिखते हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है एज कम्पेयर टू दूसरों के नोट्स से। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। क्योंकि बच्चा बाटी अगर आप लोग रट के जाएंगे तो आप लोग चीजों को डेफिनेटली भूल जाएंगे। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप लोग अगर मतलब पर्टिकुलर लैंग्वेज को भूल भी रहे तो आप लोग खुद की भाषा में, खुद की लैंग्वेज में उस आंसर को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो कभी भी बोर्ड्स में ये गलती मत करना, बिकॉज सीबीएसई जरूरी नहीं कि यहीं से कान पकड़ के क्वेश्चन देगा, कान यहाँ से भी पकड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ना कि रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। रटे हुए होंगे तो अगर सीबीएसई ने उल्टे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए तो हम लोग उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो बच्चा बाटी। ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली आप लोग के लिए वर्क करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी ये वर्क कर चुकी है, जिससे कि लोग ने 97, 98, 99 मार्क्स तक स्कोर किया है साइंस में। तो चलिए बच्चा बाटी आप लोग इस स्ट्रेटेजी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और कितनी हेल्पफुल रही आप लोग के लिए वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना आरिफ साइनिंग ऑफ।